मरियम का क्या हाल करेगा मलक जुबैर उसको भगाने के बाद मुर्तसिम क्या करेगा मीरब के साथ हिल का लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है आज की वीडियो हम आप लोगों को सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं ये वीडियो आप लोग फुल देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आप लोगों ने भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बल्कि इनको नहीं दबाया जरूर से दबाते जाना और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वीडियो होने वाली है इसकी वीडियो होने वाली है अंदाजन वीडियो होने वाली है इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ हमें बताइएगा जो हम पॉइंट आप लोगों को बताने वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है या कहीं से कोई भी गड़बड़ आपको लगे तो आप लोग हमें बता सकते हो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो ड्रामा सीरीज करे इनके आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर अभी मीरब को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर वो करने क्या जा रही है यहाँ पर उसे आप शक होना शुरू हो चुका है यहाँ पर मुर्तसिम ही नहीं मिलना चाह रहा अनस से वो मुझे चक्कर दे रहा और यहाँ पर मरियम को भी यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से उसने ट्रस्ट सब लोगों का बिल्ड किया हुआ है यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा जो है उसकी बातों में आ चुके हैं और यहाँ पर मुर्तसिम को अब ये अंदाजा तो नहीं है आखिर ये अनस है कौन लेकिन नाजरीन यहाँ पर आप लोग यही देखने वाले हो कि यहाँ पर आने वाले एपिसोड में जब ये लोग शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे तो नाजरीन यहाँ पर इसे जो है वो खा लिया जाएगा यानी कि नाजरीन बुला लिया जाएगा इस वक्त तो यहाँ पर आओ मेरे पास इसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ जो है बहुत ही ज्यादा उसको ट्रस्ट बिल्ड करेगा और यहाँ पर ये आकर लड़ना झगड़ना शुरू कर देगी कि नहीं यहाँ पर शादी होगी तो सिर्फ वहीं पे ही होगी मरियम की इसके बाद यहाँ पर ये कहेगा कि नहीं बिल्कुल नहीं यहाँ पर तुम हार जाओगे चैलेंज इसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ चैलेंज लगा लेते हैं और आप लोग आने वाले एपिसोड में यही देखने वाले कि मेरे नाजरीन यहाँ पर अपनी हर हद पार करने जाएगी आने वाले एपिसोड में यहाँ पर वो शादी रोकने की तो फुल कोशिश में लगी हुई है लेकिन रोकेगी नहीं और इसके साथ साथ यहाँ पर वो मुर्तसिम को भी जो है वो बहुत ही ज्यादा जख्म देने से बाज नहीं आती उसे कहेगी यहाँ पर तुमसे तो आज तक कुछ छीना ही नहीं इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज की परवाह ही नहीं फिक्र ही नहीं है जिन लोगों से छीनी होती है उनसे जाकर उसका दर्द पूछो जिसके बाद ये भी अपने दर्द खोल के रख देगा यहाँ पर ये देखो यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या बीता है लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं बताया जिसके बाद यहाँ पर मेरा भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने जा रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे ज्यादा यही लग रहा है कि हम उसके बाप की बात होगी यहाँ पर मेरा बाप यहाँ पर बचपन में ही मेरे जो है वो चला गया सर से उसका साया जो है वो चला गया जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे साथ ये होता रहा वो होता रहा बला 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 बहुत ही ज्यादा कुछ सुनाएगा जिसके बाद यहाँ पर मेरे भी काफी ज्यादा जो है इसके जो है करीब होना शुरू हो जाएगी लेकिन वो अपने आप को रोक रही है उसके अंदर की जो ईगो है वो ही नहीं मुर्तसिम की तरफ जाने दे रही मुर्तसिम ने तो दिल खोल के सामने रख दिया है कि यहाँ पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है लेकिन यहाँ पर ये बेवकूफियों में एक नंबर है और यहाँ पर अब शादी तक जो बात पहुंच जाएगी यहाँ पर मनु वगैरह बिठाने की बात आएगी यहाँ पर ये कहेगी कि यहाँ पर इसे ब्यूटी पार्लर लेकर जाते हैं वहाँ पर ही इसे जो है सजाएंगे इसके बाद यहाँ पर यही लग रहा है कि यहाँ पर वहाँ पर लेकर जाएगी और यहाँ पर ये सब कुछ अरेंज कर देगी गाड़ी से लेकर यहाँ पर कहाँ पर इसने रहना है सब कुछ इसके बाद मलक जुबैर के साथ इसे रवाना करके यहाँ पर ये घर आ जाएगी जिसके बाद यहाँ पर सब लोग जो है वो निकाह के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन होंगे बैठे होंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पर जाओ जाकर उसे बुला कर लाओ जिसके बाद पता चलेगा ये तो अभी तक आए ही नहीं जिसके बाद यहाँ पर वो ये हो सकता है कि ये जल्दी से पहुँच के कहे कि यहाँ है यहाँ पर मेरी बहन जिसके बाद ये साफ साफ अपने हाथ खड़े कर रही और कहे कि यहाँ पर मुझे नहीं पता या ये कहे कि यहाँ पर वो जल्दी गई है यहाँ पर अनस के साथ वो बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं मानते जिसके बाद यहाँ पर वो शायद इसे कहे कि तुमने क्या किया
लेकिन इमोशनल भी अंदर से होगी कि यहाँ पर मेरी माँ हो और मेरे भाई के साथ आखिर वहाँ क्या हो रहा होगा उनकी नाक डूब जाएगी और ये भी शायद हो सकता है कि रास्ते में कहे कि नहीं अनसिया मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर मुझे वापस वहाँ पे ही छोड़ के आओ लेकिन वहाँ पर ये कहे नहीं मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर तुम्हें नहीं जाने दूंगा पहले थोड़ी सी अपनी बातों में बजा कर सुना के ही रखे लेकिन यहाँ पर जब अपने किसी जगह पर इसे ले गए अपने फार्म हाउस वगैरह पर तो वहाँ पर जाकर अपना असली चेहरा दिखाए अपने लोगों के पास और वो ये कहे कि यहाँ पर तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ तो यहाँ पर तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो इसके बाद ये कहे कि मैं यहाँ पर मलक जुबैर हूँ और यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा और नाजरीन तब यहाँ पर इसके पाँव तले जमीन निकलेगी क्योंकि इसने भी यहाँ पर मलक जुबैर का नाम सुना होगा और यहाँ पर मलक मुख्तियार को कुछ अंदाजा ही नहीं होगा कि आखिर मेरा बेटा श्रद्धा क्या कर रहा है और नाजरीन जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद बिल्कुल भी जब ये मिलेगा नहीं अनस और मरियम इसके बाद नाजरीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है वो थक हार के आकर जब घर में बैठेगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा यहाँ पर मुंतसम इस नीरत पर जिसके बाद नाजरीन हमारी अपनी कोठरी यानी वो वीडियो जैसे संभाल के रखी हुई है वो कहेगी हाँ मुझे याद है कि यहाँ पर मैंने उसे अनस किया है वो वीडियो वगैरह बनाई थी और नाजरीन यहाँ पर वो या तो सेंड कर दे या ये सब कुछ कहे कि हाँ मुझे वीडियो मेरे पास है जिसके बाद यहाँ पर जब देखे मुर्तसम उसके तो पांव तले जमीन निकल जाए अनवर भी देखे तो यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर मेरे बैठी हुई है मलक जुबैर के पास और है ये तो मलक जुबैर है जिसके बाद यहाँ पर ये कहे कौन मलक जुबैर जिसके बाद ये कहे कि वो जिसके साथ हमारी दुश्मनी है इतने सुनक पंदे मार दिए बहुत ही ज्यादा ये नुकसान करता है जिसके बाद नीरत के पाँव तले जमीन निकल जाएगी कहेगी ये मुझसे आखिर क्या हो गया मुझसे ये भी जाओ जाकर उसे बचा के लाओ मैंने इस गाड़ी के साथ ऐसे भेजा वैसे भेजा जिसके बाद यहाँ पर बाद में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेस करने की कोशिश करें लेकिन ना मिले और इसके साथ पुलिस को लेके ये पहुंच जाए यहाँ पर मलक मुख्तियार की कोठी पे जिसके बाद यहाँ पर मलक मुख्तियार माहिर आए थे जो कहे यहाँ पर हमारी बहन को लेके वो भाग गया है हमसे बदला लेना चाह रहा है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है लेकिन नाजरीन यहाँ पर ये कहे कि कुछ नहीं मेरे बेटे ने किया क्योंकि नाजरीन यहाँ पर उससे वहाँ पर बात के मरियम को ये घर आकर बैठ जाए जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर ये कहे मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ भी नहीं था किसी और के साथ मुझे डाला यहाँ तुम्हारी फैमिली के लिए वीडियो वगैरह दिखाए तो ये भागने की भी कोशिश करो और शायद नाजरीन मुकबर के यहाँ पर जो है वो अशारे से ही जाकर ये पकड़ लें यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करें ये वाली भी सूरत हाल बन सकती है जिसके बाद मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पर अपनी बहन के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करेगा और नाजरीन यहाँ पर एक ही झटके में यहाँ पर मुंतसिम इसे मार देगा वहीं पे सेल्फ डिफेंस की बेस पे और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसने बहुत ही ज्यादा उसके साथ ज्यादती की हो जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ही बड़े ट्रामा में चली गई हो यहाँ पर वो बिल्कुल भी अपने हवासों में ही ना हो जिसके बाद नाजरीन जब यहाँ पर पता चले यहाँ पर नरेज को तो नाजरीन नरेज यहाँ पर इससे शादी करने के लिए मान जाएगा और इसी से ड्रामा से जो है निकाल जाएगा और बाकी सब लोग भी बहुत ही ज्यादा जो है खुश हो जाएंगे यहाँ पर अच्छा हो गया यहाँ पर इसने जो है इसे ड्रामा से निकालने में मदद कर रहा और ये निकाल भी लेगा और यहाँ पर मेरे के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं होगी और ऊपर से रुहेल भी आ जाएगा और यहाँ पर वो अलग खप डालने की कोशिश करेगा और नाजरीन यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गलत फहमी यहाँ पर डाल देगा आगे ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से माफ करेगा क्योंकि ये ढोंचू है या वो माफ
औरत और आ जाएगी, शादी कहीं और कर दी जाएगी। और यहाँ पर ज्यादा चांसेस तो ये भी लग रहे हैं कि मीरब प्रेग्नेंट होगी, जिसके बाद ये रोहेल जो है अच्छी स्यापा डालेगा। आप लोगों को क्या लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन वीडियो थी, आप लोग हमें बता सकते हो।